प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आज गुरुवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। गोरखपुर जिले में 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल 1,27,831 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें हाई स्कूल के 66,869 संस्थागत व 149 व्यक्तिगत समेत कुल 67,038 परीक्षार्थी और इंटर के 58,541 संस्थागत व 2,252 व्यक्तिगत समेत कुल 60,793 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने जिला व राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिसकी निगरानी लखनऊ से की जाएगी। बोर्ड की समय सारणी के अनुसार दोनों पालियों की परीक्षा निर्धारित तिथि और समय पर कराई जाएगी। परीक्षा ड्यूटी के दौरान छात्र छात्राओं के साथ साथ परीक्षा ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षक व कर्मचारी भी मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। आज प्रभात खबर की टीम बोर्ड परीक्षा के पहले दिन पहले पाली में व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पहुंची, जहां पर गेट पर ही छात्रों की तलाशी ली जा रही थी, जिससे वह कोई भी आपत्तिजनक सामान परीक्षा केंद्र के अंदर न ले जा सके। जिसके पास मोबाइल या फिर किताब कॉपी थे, उन्हें स्कूल के कर्मचारी और अध्यापक गेट पर ही जमा करा दे रहे थे। वहां परीक्षा केंद्र पर ठीक 8 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा शुरू करा दी गई थी। प्रभात खबर की टीम ने जब एमजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, ये नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो सख्त कदम शासन द्वारा उठाए गए हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक मेरे विद्यालय की बात है, यहाँ कुल 129 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिन कमरों में परीक्षा हो रही है, उन कमरों में दो दो सीसीटीवी कैमराज स्पीकर के साथ लगे हुए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह परीक्षा इस बार बहुत ही सख्ती से कराई जा रही है, और इस परीक्षा में वही छात्र सफल होंगे जो वास्तव में परिश्रम से पढ़ाई किए होंगे। सर, 2 सालों के बाद कहा जाता है एक बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। जी, तो किस तरीके से आप लोगों को, कुछ तो 2 साल बाद करा रहे हैं, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना पड़ा और बच्चे जो ऑनलाइन पढ़े? देखिए, एक दिक्कत तो है, जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई वह ऑफलाइन का विकल्प हो ही नहीं सकता, कितना भी हमारा विज्ञान आगे निकल जाए, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई में भावना नहीं है, शिक्षक और छात्र के रिश्ते नहीं हैं, वो मशीन है। कहीं नेट का प्रॉब्लम, कहीं बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं। जैसे लग रहा था शून्यकाल, पतझड़ 2 वर्ष तक, लेकिन यह है कि प्रकृति ने साथ दिया है, काफ़ी हौसला बढ़ा है, बच्चे हमारे पेपर दे रहे हैं। वो हाँ, उनकी पढ़ाई तो प्रभावित हुई है। अब स्वाध्याय जितना बच्चे किए हों, ऑनलाइन पढ़ाई हमारे विद्यालय से तो हुई है, हमने हायर भी किया था एक कंपनी को, लेकिन उससे बच्चे उतना नहीं संतुष्ट हो सकते हैं, न टीचर हो सकते हैं। तो क्या लगता है उसका असर सर देखिएगा, क्योंकि 2 साल तो ये लोग ऑनलाइन पढ़ाई किए, ऑनलाइन एग्जाम दिए, और अब की बार ऑफलाइन दे रहे हैं, हार्ड पेपर पे दे रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या जो पेपर अब की बार आएगा, चाहे वो हाई स्कूल की बात करें चाहे इंटर की, तो उनको हार्ड लगेगा? बिल्कुल लगेगा, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, मिर्चा खाएंगे तो तीखा लगेगा, तो वो तो स्वाभाविक है कि प्रकृति का विधान भी ऐसा है। ये ऑफलाइन जो परीक्षा हो रही है, उसमें हर स्तर से शुचिता और पारदर्शिता बरती गई है। हम लोग भी फूक फूक के चल रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो, और अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपनी सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।